तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग और हम बात करेंगे फाइल मेनू बार के बारे में। कल की क्लास में हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया था कि एक्सेल क्या किस चीज के लिए यूज किया जाता है। आज एक्सेल का हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने जा रहे हैं, फाइल मेनू बार कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि हम मेनू के हिसाब से चलेंगे ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हमने कौन से फीचर्स यूज करने हैं। तो फाइल मेनू बार तो बेसिक है, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए नया हो। सबसे पहला टैब होता है आपका होम का। होम में आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक और रिसेंटली यूज टेम्पलेट होता है। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली जो ओपन फाइल होती है वो होती है। लेकिन अगर आप फाइल को पिन कर देते हैं तो क्या होता है, वो पिन वाले सेक्शन में चला जाता है। अब पिन क्यों करते हैं फाइल को, ऐसे फाइल जिसको फ्रिक्वेंसली आपको ओपन करना पड़ रहा है। मान लीजिए आप डेली जो है 100-150 फाइल ओपन करते हैं, उसमें से 5 फाइलें आपको हर दिन ओपन करनी पड़ती है, बाकी जो 95-145 फाइलें हैं वो फाइलें आप हफ्ते महीने दिन में ही ओपन करते हैं, या दोबारा उसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। तो उससे क्या होता है कि रिसेंट जो वर्कबुक है वो आपका जो आप मोस्टली ओपन करते हैं फाइल, उस फाइल को हटा के जो ओपन किया है उसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है ऊपर की तरफ घसकते रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पिन कर देते हैं। पिन करने से क्या होता है कि फाइल जो है पिन माय लिस्ट में चली आती है, जो रिमूव नहीं होती है, चाहे जितना भी फाइल ओपन कर ले ये रिमूव नहीं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कोई फाइल बार बार हमें ओपन करनी है तो आप उसको पिन कर दीजिए। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि उसके लोकेशन में जाके उस फाइल को ओपन नहीं करना पड़ेगा। क्या अगर मान लीजिए कि ये आपका जो रिसेंट लिस्ट में फाइल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ड्राइव में जाना पड़ेगा, उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, फिर आई फाइल ओपन करना पड़ेगा, तो उससे आप बच जाएंगे। उसके बाद न्यू पे अगर हम आते हैं तो न्यू पे आपके पास यहाँ ब्लैंक वर्कबुक और आपके जो है टेम्पलेट्स होते हैं। अब टेम्पलेट क्या होता है, ये बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि कल हमने आपको समझाया था कि अगर इनवाइस बनाना है, इनवाइस बनाने की आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे बैलेंस शीट हो गया, यहाँ पे ऑर्डर शीट हो गया, यहाँ पे आपको प्लानर हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, कैलेंडर हो गया, जिसको आप डाउनलोड करके आप अपनी यूज कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हैं, बने बनाए हैं, लेकिन ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। जब आप इसको यूज करें तो आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम बात करते हैं ओपन के बारे में। ओपन जो है रिसेंटली जो आपने फाइल ओपन किया, अभी क्या है कि आपका होम में लिस्ट कम होता है, बट आप ओपन में आते हैं तो आपके पास रिसेंटली फाइल लिस्ट ज्यादा होता है यहाँ पे, और फाइल के साथ साथ यहाँ फोल्डर भी होता है कि आप अपना फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। और फाइल ओपन जैसे कि शेयर विद मी, मतलब कि आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ले रखा है तो आपको वन ड्राइव का एक्सेस मिलता है, जिसमें 1 TB का स्पेस होता है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटर पे आप अपनी फाइल को रख सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा दिस पीसी ऐड टू पहले, जैसे मान लीजिए कोई शेयर ड्राइव है, कोई नेटवर्क ड्राइव है, आपको यहाँ शेयर कर सकते हो। ब्राउज मतलब कि आपके हिसाब से इसमें कोई ऐसा नहीं है तो ब्राउज पे चले जाएंगे तो वहां आपको सारे फाइल के लिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे, और अपने हिसाब से जिस ड्राइव, जिस फोल्डर, जिस लोकेशन पे जाना जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो मुश्किल आपको पता ही होगा। हम बात करते हैं इन्फो के बारे में। इन्फो आपके फाइल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है कि फाइल्स की साइज क्या है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, कब मॉडिफाई हुआ है, किसने इस फाइल को बनाया, ऑथर दिख रहा है आपको। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटेक्ट है, कौन कौन सी प्रोटेक्ट नहीं है, ये चीजें यहाँ आपको इन्फो मतलब कि आपकी फाइल की इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है, फाइल की प्रॉपर्टीज आपको पता चलती है। फिर आता है फाइल सेव। फाइल को नॉर्मली सेव, अब देखिए सेव पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक सेव एज पे गलत चला जाता है, कर सकते हो, क्योंकि ये जो फाइल हमारा बुक वन है अभी ये अनसेव फाइल है, मैं जस्ट इसको क्रिएट किया है, तो अनसेव्ड फाइल को जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सेव एज पे चला जाएगा, मतलब कि इस फाइल को आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन पता चल जाएगा कि आप ये आपका रिसेंट लोकेशन है, जो आप जो फोल्डर्स रिसेंट फोल्डर्स है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से चीजें यूज कर सकते हो, इसे ब्राउज करके अपने हिसाब से लोकेशन पे जाके
फाइल को सेव कर सकते हो। मुझे डेस्कटॉप पे करनी है, मैं नाम मुझे मान लीजिए डेटा देना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रहता है आपका सेव एज टाइप। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा है माइक्रो अनेबल वर्कबुक, बट अगर आप अपना फाइल ओपन करते हैं, आप अपने सिस्टम में देखेंगे तो आपके सिस्टम में होगा एक्सेल वर्कबुक। क्यों? क्योंकि एक्सेल की डिफॉल्ट सेटिंग होती है एक्सेल वर्कबुक। तो मेरे यहाँ सेटिंग चेंज क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं मोस्टली वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का फाइल बनाता हूँ, मतलब कि मेरे मोस्टली फाइलों में माइक्रो वगैरह होता है। तो अगर जो माइक्रो की कोडिंग होती है, उस कोडिंग को अगर मैंने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, हमने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, तो मेरे सारे कोड जो है वो कोड यहां से रिमूव हो जाएंगे। सो हम माइक्रो अनेबल वर्कबुक यूज करते हैं ताकि हमारे सारे कोड सलामत रहे। उसके अलावा यहाँ पे एक्सेल बाइनरी वर्कबुक है, मतलब कि आपके फाइल बहुत बड़ा है, जब भी फाइल को ओपन करते हैं तो आपको कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाता है और काफी टाइम कंज्यूम करता है। तो ऐसे फाइल को आप एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में सेव कर दें, इससे क्या होगा कि आपका फाइल का साइज कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 500 MB की फाइल 500 MB की हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा बहुत रिड्यूस हो जाता है और उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें फाइल में फॉर्मूला और ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपका आता है ओल्डर वर्जन है और इसके अलावा और भी चीजें हैं। इस सब चीजों पे हम लास्ट अगली मतलब कि जो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में फिलहाल अभी हम कम जानते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रिंट की। तो प्रिंट को समझने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, तो चलिए हम एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। तो याद रखिएगा मैं हमेशा रैन बिटवीन फॉर्मूला यूज करता हूँ। मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है रैंडम, मतलब कि आपका जो रैंडम डेटा आपको शो करता है हर बार। अब मान लीजिए कि मुझे इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अब मुझे इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करते समय आप यहाँ से कॉपी के कितने कॉपी निकालना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, और प्रिंटर रेडी है या ऑफलाइन है, या फिर इसको नोट पैड वगैरह पे करना है तो यहाँ पे आपको वन नोट है, पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ वगैरह पे यहाँ पे आता है। उसके बाद आता है प्रिंट एक्टिव शीट। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक्सेल में कई सारे शीट्स होते हैं, शीट आपको दिख रहा है, हम कई सारे शीट को ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको एक्टिव शीट को प्रिंट करना है या पूरी की पूरी शीट को प्रिंट करना है और पूरी की पूरी फाइल को, तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जितने मान लीजिए कि एक शीट में आपके 500 पेजेस है, तो क्या आपको 500 पेजेस को भी प्रिंट करना है, या कोई पर्टिकुलर पेज की मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, उस कर सकते। अब आता है प्रिंट वन साइड, मतलब कि जो पेज के माने कि फ्रंट और बैक दोनों में प्रिंट करना चाहते हो, सिर्फ फ्रंट में प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो। और कैसे, मतलब कि आप पेज इधर से उल्टोगे या इधर से उल्टोगे, ये चीज यहाँ पे बता सकते हैं। बट इसके लिए आपका प्रिंटर कैपेबल होना चाहिए, हर प्रिंटर में आपका ये नहीं आता है फीचर्स। अब लैंड्स के मतलब कि पेपर को आप जो है ऐसे पोर्ट्रेट लगाना चाहते हो या ऐसे लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हो। मैं नहीं, पेपर तो पोर्ट्रेट ही लगेगा, मतलब कि आप प्रिंट जो है इस तरह से पोर्ट्रेट करना चाहते हो या लैंडस्केप करना चाहते हो, तो ये चीज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पेज, पेज की साइज क्या है, लेटर है, लीगल है, A4 है, हर पेज की अलग अलग साइज होती है, वो साइज सेलेक्ट कर सकते हो, या एनवलप है तो एनवलप की साइज यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद मार्जिन, मतलब कि आप देख रहे हैं कि आपका ये साइड से मार्जिंग है, यहाँ पे मार्जिंग है, ऊपर से मार्जिंग है, प्रिंट करते समय कितना जगह छोड़ के हम प्रिंट करेंगे, तो चीज आप यहाँ यूज कर सकते हो। हम लोग जब पढ़ते थे जब स्कूल में, तो हमें क्या बोलते थे उसको, चौथाई छोड़ने के लिए बोला जाता था, कि पैराग्राफ लिखने से पहले मुझे एक एरिया हम लोग छोड़ देते थे कि हाँ इतना एरिया के बाद हमें लिखना शुरू करना है पेपर वगैरह, तो वो चीजें समझ ली एक तरह से यहाँ पर होता है। तो यहां से मार्जिन को सेट कर सकते हो कि वाइड मार्जिन चाहिए या नैरो मार्जिन चाहिए।
कभी कभी क्या है कि हम चीजों को लेटर हेड पे या अपने स्टाम पे या फिर रेवेन्यू पे प्रिंट करते हैं, तो आप यहाँ से अपना कस्टम मार्जिन में अपने लेटर हेड के अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करके प्रिंट कर सकते हो। स्केलिंग मतलब कि 100% लेना या इसको छोटा बड़ा करना है इसकी टेक्स्ट साइज को। हालांकि प्रिंट के ऊपर हम आगे इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो है ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। शेयर की बात आती है कि इसको आप वन ड्राइव में एज ए वर्कबुक या पीडीएफ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वन ड्राइव होना चाहिए। अब इसमें अगला आता है आपका एक्सपोर्ट। अब इसको पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी और फाइल टाइप में, जैसे कि लोअर वर्जन वगैरह में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सीवीएस में एक्सपोर्ट करना चाहते हो डेटा को, तो कर सकते हो। तो मैं किसी को एक्सेल फाइल में नहीं भेजना चाहता, कि माने किसी को आपने डेटा भेजना चाहते हैं पर उसके पास लोअर वर्जन है, मतलब 2003 का वर्जन है, तो ये फाइल ओपन नहीं कर पाएगा, तो आप इसको 2003 में कन्वर्ट करके दे दीजिए, हो जाएगा। पब्लिश, अगर आप पावर बी यूज करते हैं तो डायरेक्ट पावर बी आई में अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं, क्लोज इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे तीन आता है अकाउंट, जैसे कि अगर आपने पेड वर्जन ले रखा है तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट को लॉग इन कर सकते हो और यहाँ अपना अपडेट वगैरह जो है देख सकते हो कि भाई मेरा जो है एक्सेल को अपडेट अभी कर दीजिए, या फिर और भी बहुत सारे चीजें यहाँ पे होते हैं एक्सेल के बारे में और क्या नया आया है सर्विसेज के बारे में यहाँ पे देख सकते हो। फीडबैक, आप माइक्रोसॉफ्ट पे बताना चाहते हो कि मैं एक्सेल को लाइक कर रहा हूँ, डाउनलाइन कर रहा हूँ, या फिर कोई सजेशन है तो आप यहाँ से इसको दे सकते हो। उसके बाद लास्ट अगला ऑप्शन आता है ऑप्शन का। अब ऑप्शन क्या है, एक्सेल की सेटिंग। अब बोले सर पहली क्लास में सेटिंग के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो क्या है कि जब भी आप कोई नई चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नया सेल फोन लिया, तो पहले सब कुछ सेट होता है, फिर भी हम उसकी वॉलपेपर, उसका रिंगटोन, उसका अलार्म सिस्टम और बहुत सारी चीज जो है नोटिफिकेशंस वगैरह हम उसको चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने मुझे दिया है उसने डिफॉल्ट ग्लोबल सेट करके दिया है, बट हम अपने वर्क एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जो है सेट करते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज की सेटिंग है, लेकिन मैं आज इसको ये बताने वाला नहीं हूं, हम आगे बढ़ते हैं इस पे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर के ऊपर। आपके पास कितने जो है यहाँ पे शीट, एक्सेल की आर्किटेक्चर को समझिए। एक्सेल में एक फाइल होता है जिसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं, उस फाइल के अंदर नंबर ऑफ शीट्स होते हैं और शीट्स के अंदर रो एंड कॉलम होता है, और जहां पे हम कर्सर रखते हैं उसको सेल कहते हैं, और जो भी डेटा एंट्री होती है एक सेल पे होती है और हर सेल का एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस है E8। कैसे पता चला? ई कॉलन और 8 नंबर रो। अब ए एड्रेसिंग क्यों किया गया? जैसे ने बताया कि कोई भी वैल्यू स्टोर होती है तो एक सेल के अंदर होती है, जैसे हमने यहाँ पे डाला। तो मान लीजिए कि मुझे मैंने यहाँ पे 30 और यहाँ पे मैंने 20 किया हुआ है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ इक्वल क्यों लगाया? जब भी कोई कैलकुलेशन या फॉर्मूला के लिए हम इक्वल प्लेस करते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है। इक्वल नहीं प्लेस करते हैं तो सिस्टम समझता है कि डेटा स्टोर हो रहा है, बट इक्वल प्लेस करने से सिस्टम समझता है कि फॉर्मूला या कैलकुलेशन होने वाला है। तो यहाँ पे 30+20 कर दिया, एंटर मारते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमने मैनुअली क्या लिख दिया, 30+20। इसमें प्रॉब्लम हुआ कि अगर 20 जो है अगर 50 हो गया तो मुझे मैनुअली इसमें जाके 50 करना पड़ेगा, तब रिजल्ट चेंज हो। लेकिन अगर मैं इसका एड्रेस दे लूं, मतलब कि A2 में लिख भी सकता हूं या क्लिक भी कर सकता हूं, इसमें मैंने B2 पे जस्ट क्लिक कर, तो A2+B2 मतलब ऐसा नहीं कि A2 को प्लस कर रहा, नहीं, A2 की वैल्यू को प्लस कर रहा है B2 की वैल्यू से, और रिजल्ट आपके सामने है। इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि अगर मैं इसको 60 करता हूं तो एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एड्रेसिंग सिस्टम बनाया गया ताकि हम हर कैलकुलेशन और हर फीचर को किसी सेल के साथ लिंक कर सके। क्लियर है अब्बास जी? यस सर। अब इसी में आप देख लीजिए, जैसे मेरे पास कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, कुछ लिख लेता हूं थोड़ा सा,
मान लीजिए मुझे इन सम में 20 ऐड करना है, मतलब मुझे इस सम में 20 ऐड करके यहाँ शो करना है, 20 मान लीजिए कमीशन या चार्जेज कुछ ऐसा फिक्स चार्जेज है, तो मुझे पता करना है कि 20 ऐड होने के बाद कितना होगा। तो जाहिर सी बात हम यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिक अपडेट हो तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं और प्लस 20 कर। अब यहाँ पे आपको हर एक सेल पे टाइप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा दिया, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर यहाँ इस पे कर्सर जाइए, प्लस का सिंबल आएगा, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, तो बाकी सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। मतलब कि अगर आपने ऊपर A1 लिखा है, इसको कॉपी कीजिए या ड्रैग कीजिए नीचे, तो A ऑटोमेटिकली A2 हो जाता है, यहाँ पे A3 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा वैसे से अपने आप को अपने एड्रेस को इंक्रीज कर लेगा, जिसके सामने है उसका सामने ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसके सामने वाली वैल्यू को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो A1 की नहीं, जहां पेस्ट हो रहा है उसके सामने वाले वैल्यू का रेफरेंस ले लेगा। और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इसी तरह से मेरे पास अगर 10,000 नंबर्स होते हैं और मुझे मैन्युअली 10,000 नंबर पे अगर प्लस 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 करना होता तो काफी टाइम कंज्यूम होता ना, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमने एक सेल में फॉर्मूला लगाया, नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है या फिर ड्रॉप डाउन कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो बाकियों में ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ ऊपर में देखिए A1 प्लस 20 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सेल नीचे आया तो A2 प्लस 20 आ गया, फिर यहाँ नीचे आया तो A3 प्लस 20 आ गया। लेकिन यहाँ वो कहावत है ना सर कि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, यहाँ पे इसका नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है कि अभी तो 20 हमारा मैनुअल पता था इसे लिख दिया, लेकिन क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ D1 पे जो वैल्यू लिखा है, D1 पे मैंने 40 लिखा हुआ है, करके डेट में 50 हो सकता है, 20, ना ये चेंज होते रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो D1 पे वैल्यू लिखी हुई है, D रो कॉलन एंड 1 रो पे जो वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यू यहाँ नीचे सब को प्लस हो जाए, तो बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, हमने इक्वल किया इसमें प्लस D1 पे क्लिक कर दिया, अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा। अभी क्या है कि दोनों हमारा एड्रेस है, मैंने बताया कि जब भी हम किसी भी सेल को कॉपी पेस्ट करते हैं उसके सेल के अंदर कोई अगर फॉर्मूला या कोई सेल लिंक है तो इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो जब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो A1 हमारा A20 हो गया, A1 हमारा A2 हो गया, तो D1 मतलब D2 होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि मैं फिर मुझे यहाँ पे मैन्युअली एक एक करना पड़ेगा कि इसमें हमने प्लस किया और ऊपर वाले को प्लस, यहाँ पर प्लस करूंगा, तो काफी लेंथी जॉब हो जाएगा। लेकिन इसका भी सलूशन है, मतलब कि हमें A1 को A2 A3 A4 A5 को करना है बट D1 को फिक्स रखना, तो हमें 1 को फिक्स करना है कि D1 2 3 4 ना हो, तो हम 1 के आगे डॉलर का साइन लगा देते, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, हमने डॉलर का साइन लगा दिया और एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि D1 सब में फिक्स है। ओके, बट अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, ध्यान रखिएगा कि हमने 1 के आगे डॉलर लगाया हुआ है इसलिए 1 फिक्स है। अगर हमने मान लीजिए कि इसको वर्टिकली ये किया, हॉरिजॉन्टली सॉरी हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया कॉलम लेफ्ट टू राइट, तो आप देखेंगे कि आपका D1 E1 हो गया। देखिए हर एड्रेस के दो पार्ट होता है, एक कॉलम दूसरा रो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉलम को छोड़ के रो को फ्रीज किया है ना, नंबर को फ्रीज किया, मतलब रो को फ्रीज किया क्योंकि नंबर रो होता है, तो आपका रो फ्रीज हुआ मतलब कि रो आगे 1 2 3 नहीं बनेगा बट कॉलम तो बनेगा, क्योंकि कॉलम का आगे तो मैं डॉलर नहीं लगाया है, तो आप चाहते हो कि मेरा दोनों फिक्स हो जाए, दोनों नहीं फ्रीज हो, तो उसके लिए डॉलर साइन लगा सकते हैं और इसके लिए F4 का शॉर्टकट होता है, F4 प्रेस करके आ जाएगा। क्लियर है बाशी जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये बेसिक चीज है तो नहीं है डाउट। ओके, अब जैसे कि ये चीजें मैं आपको आगे ही बताऊंगा, अभी हमने आपने देखा कि मैंने शॉर्टकट प्रेस किया F4,
अब मेरे बच्चे पूछते हैं सर और से शॉर्टकट किस ऑप्शन के क्या क्या शॉर्टकट्स हैं। अपने जाने शॉर्टकट क्या होता है, क्या है कि अगर हर एक टॉपिक को जो है हम दो चीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने इस पे क्लिक कर लिया कॉपी हो गया, या कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी किया ये शॉर्टकट्स है। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप शॉर्टकट से ज्यादा काम करते हैं और माउस से कम करते हैं तो आपकी स्पीड जो है 30% बढ़ सकती है। वो शॉर्टकट लिस्ट कहां से मिलेगा? तो शॉर्टकट लिस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस पर कर्सर रखिए। जैसे आपने उस पर कर्सर रखा, यहां देखिए कंट्रोल प्लस वी दिख गया, ये आपका शॉर्टकट है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, सबके इस तरह के कर्सर लेके देखे और फिर कर्सर जब हम उस पर ले जाएंगे तो यू कैन अप्लाई। मुझे इसकी लिस्ट चाहिए, तो इसकी लिस्ट के लिए आप जो है अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें, जो कि आपका हेल्प की होता है, या ऊपर सर्च दिख रहा है, इस पे सर्च पे जाएं और यहाँ पे आप शॉर्टकट सर्च करें। यहाँ शॉर्टकट से 10 रिजल्ट्स आ गए, इस पे क्लिक कीजिए, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्शन, इस पे क्लिक कीजिए, तो सारे शॉर्टकट लिस्ट आपके एक्सेल में हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 2007 के अलावा जितने भी एक्सेल है, सारे एक्सेल की जो हेल्प है वो ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी उस समय होना चाहिए। ये देखिए फीचर्स एंड क्या आप प्रेस करेंगे। तो इसकी लिस्ट की प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कॉपी पेस्ट करके अपने 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 सिस्टम पे रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम इसको आराम से यूज कर सकते हैं आप। ओके सर? यस सर, आई अंडरस्टैंड। दूसरी चीज आती है कि क्या हर फीचर का शॉर्टकट है? जी नहीं, हर फीचर का शॉर्टकट नहीं है। तो बाकी फीचर्स को कैसे ले जाऊं? जैसे मान लीजिए मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज करने का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट तो है नहीं। अरे मर्ज क्या होता है, चीज को जान लीजिए। जैसे कि कई सारे क्या ए सेल से मुझे खूब बड़ा सेल चाहिए, कई सारे सेल को सिलेक्ट करके हमने मर्ज कर दिया, ये बड़ा सेल, कोई बड़ा वर्ड टाइप करना है, तो अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो शॉर्टकट क्या होगा इसका? डायरेक्ट शॉर्टकट तो नहीं है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? क्या मुझे माउस से ही करना पड़ेगा? जी नहीं, आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करें। जैसे ही कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मेनू बार है, हर मेनू बार के सामने एक जो है करेक्टर हाईलाइटेड, ये आपकी शॉर्टकट। तो मुझे क्या करना है? मर्ज अप्लाई करना। मर्ज किसके अंदर आता है? होम के अंदर आता है। तो मुझे एच प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, तो होम मेनू बार के जितने भी जो है हमारा वो सारा हाईलाइट हो गया। अब क्या है? मर्ज एम प्रेस कीजिए, और यहाँ पे क्या है? सी, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज के भी कई सारे पार्ट है, तो मर्ज एंड सेंटर है सी। तो आपको ये क्या होगा, इससे याद होगा कि भाई अल्ट एच फॉर होम, एम फॉर मर्ज, सी फॉर ऑल मर्ज, मर्ज एंड सेंटर, सॉरी। तो एच अल्ट एच एम सी हमारा इसका शॉर्टकट हो। इस तरह से बाकी शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते। ओके? यस सर। देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर हो रहे हो, क्योंकि ये बेसिक, लेकिन मैंने बताया ना आपको सर कि मुझे नहीं आइडिया है कि आपको क्या आता हो क्या नहीं आता, इसलिए मैं आपको जीरो लेके चल रहा हूँ और हर चीज को डिटेल में समझा रहा हूँ। तो सर ये सारी चीज जो आप बोलेंगे ना सम, ये शॉर्टकट कीज मैं बहुत यूज करेंगे, क्योंकि मैं तो फाइनेंस हेड हूं इधर, सो ये ज्यादा यूज करें। लेकिन ये अच्छा है, ये अच्छा है, हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे तो आपके एक्शन में मेरा तो अच्छा होता है, फिर मैं बाद में मुश्किल नहीं होता ना, इसलिए मैं तो क्योंकि मान लीजिए कि मैंने आपको अगर 10 चीजें बताऊं तो हो सकता है कि उसमें से 9 चीज आपको पहले से आती हो, बट एक चीज तो आप सीखेंगे। ऑफ कोर्स ये कल तो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट में तो कभी यूज नहीं किया था, लेकिन कल मैं आता हूँ उनका सीख गया। थैंक यू। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ। अच्छा है, मैं आई एम कंफर्म। तो हमने बात की, दूसरी चीज आती है कि अगर मान लीजिए किसी फीचर्स के बारे में पता करना, जैसे मान लीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया, इन फ्यूचर में संबंध आफ्टर, अगर आपको ऐसा लगा कि आप कुछ भूल गए, लेकिन थोड़ी सी हिंट मिल जाए, थोड़ा सा कुछ बता दे आपको, यू कैन रिकवर। तो कैसे पता चलेगा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करता है? तो उसके ऊपर आप जस्ट कर्सर रखें
तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाए और यहां टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए आप इसके पूरी डिटेल्स मिल गई। अभी क्या है कि जनरली लोगों की जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो गूगल पे सर्च करते हैं, बट क्या है कि गूगल में जो चीजें दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है। वो इंफॉर्मेशन कौन डालता है? हम जैसे आप जैसे लोग अपने वेबसाइट, अपने आर्टिकल, अपने ब्लॉग्स पे डालते हैं, लेकिन यहां जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा फुल प्रूफ होगा। तो आप हैबिट कीजिए, किसी चीज के बारे में अगर आपको सर्च करना हो तो पहले आप अपने गूगल हेल्प में करें। गूगल हेल्प क्या है? यूजर मैनुअल। आप गाड़ी खरीद परचेज करते हो, आप मोबाइल परचेज करते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज करते हो तो आपको उसके साथ उसका मैनुअल दिया जाता है कि आप उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। सेम चीज यहां भी यही है कि आप यहां पे कैसे ऑपरेट करेंगे इसके लिए यहां पे चीजें दी जाए। ओके सर, अब जैसे कि मुझे पता करना है लिमिटेशंस कि किस फीचर्स की कितने लिमिटेशन, मतलब हम कितने नंबर ऑफ शीट्स ला सकते हैं, हम कितने नंबर ऑफ जो है लाइन कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा कर, एवरीथिंग लिमिटेशंस। तो यहां मैं लिमिट्स के अंदर में सर्च कर, यहां देखिए एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट आपको आ गया। यहां पे फीचर्स है ओपन वर्कबुक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में कभी भी अनलिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। इसके पीछे एक लॉजिक है कि जब भी कोई चीज आप यूज करते हो, जब भी कोई फीचर अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपके मेमोरी में, आपके हार्ड डिस्क में एक स्पेस क्रिएट होता है। और अभी तक तो कोई कंप्यूटर नहीं बना है जिसके पास मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड हार्ड डिस्क और अनलिमिटेड रैम हो। सो लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी हम कह सकते हैं, या लिमिटेड अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स ये भी बोला जा सकता है। तो यहां पे चीजें वही चीजें दी गई है कि कितने वर्कबुक है, कितने रोज है, कितने कॉलम का विड्थ हो सकता है, हॉरो की हाइट हो सकता है, कितने पेजेस हो सकते हैं, एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि सर ये सब जान के क्या होगा, हमें क्या लेना देना कि एक सेल के अंदर में कितना कैरेक्टर टाइप जरूरी है। आप मान लीजिए कि बहुत सारे फॉर्मूले से नेस्टेड इफ की बात करें कि एक इफ के अंदर में हम कितना इफ लगा सकते हैं। अब ये चीज डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर जो फॉर्मूले की करेक्टर है, अगर वो करेक्टर 32,767 से ज्यादा हो गया तो फॉर्मूला आपका वर्क करना बंद कर देगा और एरर दे देगा। तो उस समय आप बोलेंगे मैं तो सब कुछ सही लगा रहा हूं फिर भी एरर क्यों आ रहा है। तो उस समय आपके नॉलेज होगी कि क्या इसकी लेंथ 32,767 से ऊपर तो नहीं चला गया। समझ गए सर? यस सर। इसको एक बार स्टडी कर लीजिए, ऐसा नहीं कि इसको पोएम की तरह रटना है, बट यू कैन स्टडी वन टाइम। कैसे निकालना है, F1 प्रेस कीजिए, सर्च आएगा, लिमिट को सर्च कीजिए और ये आपका सर्च रिजल्ट में इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट्स। क्लियर है? तो आज आपको दो चीजें करना, एक बार फाइल मेनू बार को देख लीजिए, कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि मैं छोड़ दिया हूं और आपको अच्छे तरीके से नहीं आता हूं, उसको देख लीजिएगा। दूसरा आप जो है यहां जो लिमिट्स है उसको एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक है? कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सेल ऑप्शंस के बारे में कि एक्सेल ऑप्शन में कौन कौन से सेटिंग्स को चेंज करने के हमें बेनिफिट होता है। ओके सर, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।